हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच मैथ्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो, प्रीवियस वीडियो में हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सीखा है। अभी मैं आपको फिर से बता रही हूँ। आपने हमने टू डिजिट का सीखा था ना चिल्ड्रेन, अब हम थ्री डिजिट का सीखेंगे। ओके, तो हमारा यहाँ तक ये सीख के हो गया, ये हो गया है, यहाँ तक हमारा सीख के हो गया है। ओके चिल्ड्रेन, अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं, थ्री डिजिट पे। ओके, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे आपको करना है। ओके चिल्ड्रेन, ओके नाउ अभी देखो, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, अब देखो, स्मॉलेस्ट नंबर 122, बिगेस्ट नंबर 360। ओके, अब देखो असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना पड़ता है बच्चों, छोटे से बड़े की तरफ हमें जाना रहता है। ठीक है, जो छोटा नंबर रहता है वो पहले लिखते हैं, उसके बाद वो उससे बड़ा, ऐसे। ठीक है, तो इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 122 है ना, असेंडिंग में आ गया 122। इसके बाद उससे छोटा नंबर 122 से बड़ा कौन है, 325, और सबसे बड़ा कौन है, 360। तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हो गया चिल्ड्रेन। देखो, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, अब देखो हमने ये साइन वाला सीखा था ना पहले, प्रीवियस वीडियो में साइन वाला भी सीखा है, असेंडिंग डिसेंडिंग भी सीखा है ना, टू डिजिट का। तो अभी हम थ्री डिजिट का ये भी देखेंगे। ठीक है, अब देखो, 122 लेस देन 325 लेस देन 360। ओके चिल्ड्रेन, कंप्लीट ना, आई होप आपको समझा होगा। अब हम देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर 360 325 122। देखो वही नंबर है, बस आपको इधर उधर करके दिया है ना, इधर 122 से स्टार्ट किया है, इधर 360 से स्टार्ट किया है। ओके चिल्ड्रेन, क्योंकि ये असेंडिंग है और ये डिसेंडिंग है। तो अभी देखो, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, अभी हमको कैसे इसको लिखना है। देखो, 360 ग्रेटर देन 325 ग्रेटर देन 122। ओके चिल्ड्रेन, तो अभी देखो, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ, अभी हम आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन, ऑफ नंबर। ओके, देखो यहाँ पे टेबल बना के दिया है आपको, आपको भी ऐसे ही टेबल बनाना है अपने बुक में, नोटबुक में ऐसे ही टेबल बना के, ऐसे आप बीच से लाइन खींचेंगे और ऐसे लिखेंगे आप, है ना, गिवन नंबर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ये आपको नंबर दिया है, अब आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग नंबर का बनाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है करके, 217 211 और 215 दिया है ना। तो अभी हमको इसका असेंडिंग बनाना है, तो कैसे बनाएंगे चिल्ड्रेन, अब देखो असेंडिंग में दिया है ना, सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें है, 211 है ना, छोटा नंबर कौन सा है, 211, उससे बड़ा कौन है, 215, उससे बड़ा कौन है, 217। ओके, आपका असेंडिंग क्लियर हो गया। अब देखेंगे हम डिसेंडिंग, अब डिसेंडिंग में क्या है ये वो देखते हैं। अब डिसेंडिंग में हमें क्या करना है, सबसे बड़ा वाला नंबर पहले लेना है, 217 पहले ले लिया, अब 217 से छोटा नंबर कौन है, 215, उससे छोटा कौन है, 211। ओके, तो ये हमारा डिसेंडिंग भी कंप्लीट हो गया, आपको एग्जांपल मैंने समझा दिया है कि कैसे करना है। अभी आपको टू डिजिट का भी बता दिया गया, थ्री डिजिट का भी बता दिया गया चिल्ड्रेन, मैं एक और आपको बता देती हूँ, इसके बाद आपको खुद से करना पड़ेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, 500 400 100 600। अब हमें बनाना है क्या, ये नंबर किस में लेना है, असेंडिंग ऑर्डर में।
तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे छोटा नंबर लेंगे, मतलब स्मॉल नंबर। स्मॉल क्या है, 100 है, और उसके बाद क्या स्मॉल है, 400 है, देन 500, देन 600, है ना। ये हमारा असेंडिंग हो गया। अब हम डिसेंडिंग देखते हैं। डिसेंडिंग में क्या करना है, बड़े नंबर से छोटे की तरफ जाना, मतलब बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है हमें। तो क्या करना है इसमें, देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा था, 600, उसके बाद 500, उसके बाद 400, उसके बाद 100। ओके चिल्ड्रेन, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अभी ये मैं आपको एग्जांपल बता दी हूँ, ये आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है चिल्ड्रेन। अभी देखो, राइट द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, अब देखो हम देखते हैं। अब नंबर पहले देखेंगे क्या दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया है ना 1, 17, 69, 58। अब देखो इसमें वन डिजिट भी है, टू डिजिट भी है, और थ्री डिजिट भी है। ओके, तो आपने वन का भी सीखा है, टू का भी सीखा है, आज आपने थ्री डिजिट का भी सीख लिया है, तो आपको करने में आसान होगा, ठीक है। अभी इसका हमें क्या करना है, असेंडिंग बनाना है। तो मैंने आपको समझा दिया है ना, तो आप खुद से करोगे, मैं इसको आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही, अगर हम असेंडिंग में जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक बता ही देती हूँ, 8 लिखेंगे, है ना, और उसके बाद क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे, उसके बाद 69, उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे, 170। आपका असेंडिंग ऑर्डर रेडी हो गया। अब आपको एक डिसेंडिंग भी बता देती हूँ मैं। अभी हमको अगर डिसेंडिंग करना रहे तो हम कैसे करेंगे, आपको पता है ना, बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट, असेंडिंग स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट, और डिसेंडिंग बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, तो हमें जब डिसेंडिंग करना रहेगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर लेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 1, 17, और उससे छोटा नंबर 69, उससे 50, उससे छोटा 8। ये तो एकदम सीरियल से ही आ गया है ना, लेकिन सारा नंबर सीरियल से नहीं आने वाला है, वो आपको ध्यान में रख के करना होगा। ओके चिल्ड्रेन, आई होप आपको समझा होगा ये लेसन। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग बहुत ही इजी टॉपिक है, तो आपको ये आ जाना चाहिए करने, और आप करके होमवर्क में मुझे सेंड करेंगे, मैं आपको ये क्लिक करके भेज दूँगी, ताकि आपको क्वेश्चन बराबर से मिल पाए। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।